हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशील दुबे है और आज की इस क्लास में हम पीजीडीसीए के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट नाम का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और छोटा सा प्रोजेक्ट मॉडल बना करके सबमिट करना होता है। इसकी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें पीजीडीसीए का जो सिलेबस है उसमें पेज नंबर 20 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी गई हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट और पेजेस होंगे, जैसे कवर पेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, इस प्रकार से कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होंगे और प्रोजेक्ट की जो मेन रिपोर्ट होगी उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी उसमें शुरू में 6-7 सर्टिफिकेट और ये मेन रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों को आपको अटैच करके उसको प्रिंट करा के हार्ड बाइंड करा करके जमा करना होता है, और साथ ही साथ इसका वाइवा होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये सारे प्रोसीजर्स आपको करने होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो शुरू में 6-7 सर्टिफिकेट दिए हुए हैं सिलेबस में, इनका फॉर्मेट क्या होगा ये भी आपको सिलेबस के पेज नंबर 21 में यहाँ पर दिया हुआ है। आप यह देख पा रहे हैं कि पेज नंबर जो 21 है इसमें आपको जो फ्रंट पेज है कि प्रोजेक्ट का जो कवर पेज होगा वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा, उसमें टॉपिक क्या क्या लिखे होंगे, देन उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सेकेंड जो सर्टिफिकेट होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, इसमें क्या टेक्स्ट लिखा होगा और स्टूडेंट अपना टेक्स्ट के साथ साथ अपनी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करेगा, जैसे उसका नाम, उसके टॉपिक वगैरह वगैरह वो यहाँ पर लिख सकता है। अगला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे जो शुरू में 6-7 सर्टिफिकेट हैं उनके फॉर्मेट्स और सारी जानकारी आपको सिलेबस पे यहाँ पर उपलब्ध है। इन सभी सर्टिफिकेट्स के साथ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ये सारे डिटेल्स आपको सबमिट करना होता है। अब आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट टाइटल का ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को आपको रिपोर्ट में देना होगा। लास्ट में आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में एक सीडी पेस्ट करनी होती है, जिसमें आपका प्रोग्राम या डेटा सॉफ्ट फॉर्म पे होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होगी। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। चलिए आइए अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट होता क्या है। सबसे पहले कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रोजेक्ट कौन सी बला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोजेक्ट असल में आपके कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट में जितने भी एप्लीकेशंस, ऐप आप जितने भी रन करते हैं वो सब के सब एक ना कोई प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि कैलकुलेटर आप आपके कंप्यूटर पर देखते होंगे, ये कंप्यूटर भी एक छोटा सा कैलकुलेटर भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ कोड किया हुआ है और एक स्पेसिफिक टास्क को ये परफॉर्म करता है। जैसे कैलकुलेटर जो है वो छोटे छोटे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं या उस टाइप के कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो उसे ही कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक छोटा सा विजुअल बेसिक 6.0 में बना हुआ जो प्रोजेक्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये एक हमको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगता है, और यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर हम इनकरेक्ट देते हैं तो ये हमें लॉगिन करने नहीं देगा। अगर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं तो ये हमें लॉगिन करने देता है। लॉगिन करने के बाद हम इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स को की एंट्री कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये सारी डिटेल्स जो है वो डेटाबेस में स्टोर होती हैं। आप देखे होंगे प्रोजेक्ट के साथ आपको एक डेटाबेस की फाइल दिखाई दी होगी। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स को आप स्टोर करने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके के हमको फॉर्म डिज़ाइन यहाँ पर बनाना होता है। जैसे मैं आपको एक सेल की एंट्री करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए अपने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा, देन कस्टमर ने जिस मोबाइल की रिक्वायरमेंट दी उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पर। ऑटोमेटिक कितनी क्वांटिटी है वो डिस्प्ले हो रही है, इसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। प्लस वो क्वांटिटी हम यहाँ पर सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम नोकिया लेंगे तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर दो क्वांटिटी जो है वो सेल आउट होने की वजह से कम हो गई है। इस तरीके से ऑटोमेशन और वैलिडेशन के साथ साथ हम प्रोजेक्ट को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने 3 स्टॉक जो है उसे
सेल कर दिया है, साथ ही साथ ये बिल हमको जनरेट करके देता है। तो इसमें कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे रिपोर्ट्स, जो हमें रिपोर्ट्स का यूज़ करके हमें इस तरीके का प्रिंट फॉर्मेट में जनरेट करना होता है, तो इसके ये पूरे जो डिटेल्स हैं आप PGDCA की क्लासेस में पूरा सीखते आएंगे। जो 5 यूनिट का जो सिलेबस तय किया गया है उसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो एक प्रोजेक्ट में एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। आप मेरे को एक्सेस में डेटा दिखा दूँ कि ये सारे डेटा जो है अभी आपने जो भी सेल आउट किया वो सारा डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट में दो हिस्से को रेडी किया जाता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो इन सबको रेडी करने का जो प्रोसीजर है वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिया गया है। तो चलिए हमने ये दिख तो लिया कि प्रोजेक्ट असल में दिखता कैसा है, होता कैसा है, बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसे बनाएंगे कैसे। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइप के मॉडल्स यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में दिखने के लिए मिलेंगे, जैसे वाटरफॉल मॉडल, स्पायरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। बट इतने सारे मॉडल्स को समझने की बजाय अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाना, तो एक छोटा सा ये प्रोसीजर है जिसको हम अपना करके वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से एक छोटा सा प्रोसीजर जो कि डेवलप किया गया है उसके द्वारा उनको बता दिया जाता है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू उनको आइडिया होता है कि मॉडल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले उनको जब कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप उनसे ये सारी चीज़ों को करने को कहा जाता है। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट को डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें डेटा कलेक्शन में वो असल में रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है जिसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो ऑन पेपर वो तो कलेक्ट करके ले आते हैं। देन उसके एनालिसिस करना कि क्या वो फिजिबली जो पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है उसको, जो कि एक थ्योरी पार्ट होता है। और जनरली जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी में लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। इतना पेपर वर्क होने के बाद जो है हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो चालू हो जाता है, जिसमें हम ER डायग्राम, जो कि लॉजिकल डायग्राम होता है डेटाबेस का, जिसको ER डायग्राम को अपने गाइड की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। देन ER डायग्राम से वो डेटा डिक्शनरी और टेबल्स तैयार करते हैं। देन डेटाबेस जो है उनका इस स्टेप में अगर मैं बोलूँ तो वो अपना डेटाबेस जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो जो पहला उनका जो टारगेट होता है कि वो अपना डेटाबेस जो है, जो भी उन्होंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया होगा, जैसे ओरेकल सेलेक्ट किया है, MySQL सेलेक्ट किया है, MS Access सेलेक्ट किया है, उसमें वो फिजिकली अपना डेटाबेस जो है वो गाइड के हेल्प से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना डेटाबेस यहाँ पर तैयार कर लें। अगला डेटाबेस तैयार होने के बाद फिर फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग चालू होती है, जिसमें DFD के थ्रू वो फॉर्म डिज़ाइंस करते हैं। देन फॉर्म डिज़ाइन होने के बाद गाइड का हेल्प वो समय समय पर लेते रहते हैं। फॉर्म डिज़ाइनिंग प्रॉपर होने के बाद उनके बीच कनेक्टिविटी एंड कोडिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप उनको बताई जाती हैं और धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट जो है वो रेडी होता है। थोड़ा समय भी लगता है इसमें। देन कनेक्टिविटी एंड कोडिंग होने के बाद फिर वो रिपोर्ट्स भी कोडिंग करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। रिपोर्ट्स के साथ साथ प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा और अहम हिस्सा होता है वो है वैलिडेशन एंड ऑटोमेशन का, उसको भी साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये चाहे तो आप लास्ट में इम्प्लीमेंट करिए या साथ साथ पैरेलली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आप अदर रिपोर्ट जैसे फिल्टर्ड रिपोर्ट हैं, बिल रिपोर्ट हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो अदर रिपोर्ट है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से वो चेंज होती है। देन स्टूडेंट के बाद पास इससे सबसे लास्ट में जो समस्या आती है वो होती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग भी आपको बताई जाएगी, प्लस प्रिंट करा के उसको बाइंडिंग कराना भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आप अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी दे दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको ER डायग्राम और इसके बारे में डेटा डिक्शनरी के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बारे में अभी बता देता हूँ, और साथ ही आप अगले वीडियो में ER डायग्राम और डेटा डिक्शनरी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए आते हैं डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा डेटा कलेक्शन रिपोर्ट एक स्टूडेंट ने जो सबमिट किया था, यहाँ पर उसने iCard रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ डेटा कलेक्शन आपको सबमिट किया है, जिसमें उसने 3 टाइप के डेटा यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं।
जिसमें आई कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स, एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स और स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स यहाँ से सबमिट किए हैं, वो इसने टेबुलर फॉर्म पे यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे आई कार्ड से रिलेटेड कुछ चार पांच बच्चों के नाम, उनकी आईडी, देन फादर्स नेम, सेशन और इस तरीके की डिटेल्स उसने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। देन एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स उसने यहाँ पर डिस्प्ले की है कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में या किस कोर्स में रजिस्टर्ड है, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ये डेटा कलेक्ट करके लाना होता है, देन इसका ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी के थ्रू फिर डेटाबेस प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो था हमारा डेटा कलेक्शन रिपोर्ट जो थी, डेटा कलेक्शन के साथ साथ, और एनालिसिस फिलहाल छोटा प्रोजेक्ट है तो एनालिसिस में ये पास ही हो जाता है। जनरली जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं या इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फिजिबिलिटी स्टडी जनरली पास ही हो जाती है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, देन ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी प्रिपेयर करके हम डेटाबेस तैयार करते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा डिक्शनरी, ईआर डायग्राम और डेटाबेस कैसे तैयार किया जाता है। थैंक यू।